हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबशर। सो गाइस, पाकिस्तानी मीडिया प्रोसेस नहीं कर पा रही के इंडियंस इतने आसानी से सेंचुरी कर कैसे रहे हैं। हर मैच में दो से तीन, कभी डबल सेंचुरी आ रही है, कभी सिंगल तो नॉर्मल ही हो रही है। दो से तीन प्लेयर सेंचुरी मार रहे हैं, वे कह रहे हैं हमारे प्लेयर कितने कितने टाइम बाद मारते हैं भाई। और इंडिया तो हर मैच में सेंचुरी मार रहे हैं इंडियंस। उसके ऊपर आज शुभमन गिल और रोहित शर्मा की क्या कमाल सेंचुरी थी, उस पर उन्होंने बात की है। क्या बोला जल्दी से पहले वो सुनते हैं, और लाइट नहीं है तो क्वालिटी के लिए सॉरी यार। तो काउंट करते हैं 3-2-1 एंड स्टार्ट। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने 200 रन का जो हदफ है वो पार कर दिया। 200 रन का जो बॉर्डर था वो 25 ओवर में आधी इनिंग में ही पार कर लिया। शुभमन गिल तो लग रहा है कि अपनी हॉट फॉर्म में, अपने कैरियर की अपने बेस्ट टाइम अपना कैरियर का ले रहे हैं। आते हैं सेंचुरी बनाते हैं चले जाते हैं, आते हैं सेंचुरी बनाते हैं चले जाते हैं। एवर फ्लुएंट गिल बहुत ही शानदार खेला वो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और दोनों ही ओपनर 11 छक्के 6 छक्के, यार कोई कमाल है। मतलब नहीं, यहाँ भी आए थे लेकिन हमारी तो आंखें तरस गई छक्के देखने के लिए। भारतीय टीम ने लाइक अ बिल्लू, बिल्कुल एक छोटी सी जो टीम होती है बंदी बना के न्यूजीलैंड के बॉलर्स को ताबड़तोड़ हाल किया। इन मैच की सीरीज में वो बाबर आजम का रिकॉर्ड 78 बॉल तो शुभमन गिल मार गया, और उसने बाबर आजम को एक सीरीज तीन मैचों की सीरीज में जो सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड है वो भी पांच पांच कर दिया। 26 ओवर 212, कोई आउट नहीं। तुम्हारे घर भी आए थे, तुम भी मार लेते, तुमने मरवा ली उनसे। मसला ये है कि तुम तो धंधा करते हो अपना, तुम देखते हो ये हमारी मारेगा में मजा आ गया, लोगों मरवा लेते हैं बहुत बुरे तरीके से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान स्पेशल एचडी के कौन नए वीडियो में। दोस्तों आज भारत में जिस तरह की खुशियां मनाई जा रही है उसकी गूंज पूरी पाकिस्तान तक सुनाई दे रही है। दोस्तों आज पाकिस्तानी मीडिया भारत के रोहित शर्मा की, सुमन गिल की और हार्दिक पांड्या की और हर एक प्लेयर की तारीफ करती हुई नहीं छक रही है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि भारत जिस तरह से आज प्रदर्शन किया है और पिछले मैचों में जिस तरह से वो लगातार प्रदर्शन करता आ रहा है, अब हम किस किस की तारीफ करें, वहां तो हर एक इंसान तारीफ के लायक है। तो आज रोहित शर्मा ने अपना शतक पूरा किया जिसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार था पूरी दुनिया के जो उनके फैंस है उनको और जो क्रिकेट के फैंस है, क्योंकि जब रोहित शर्मा का बल्ला चलता है तब बॉलर्स के पसीने छूटने लगते हैं। और सुमन गिल ने फिर से एक बार अपना शतक पूरा किया और वो लगातार अपना शतक पूरा करते हुए आ रहे हैं। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया बाबर आजम की धुलाई कर रही है और कह रही है कि सुमन गिल जो है टीम और तुम हो कि घंटे की किंग बनते फिरते रहते हो। और भारत के अंदर जिस तरह का टैलेंट दिन पे दिन निकलते हुए आ रहा है, वहां के हर एक क्रिकेटर, या फिर बॉलिंग की बात की जाए या फिर बैटिंग की बात की जाए, अब हर एक चीज में इंडिया ने अपना सुधार कर लिया है। देखते हैं कि वर्ल्ड कप में क्या होता है। इसी पे पाकिस्तानी मीडिया के अंदर में कहीं ना कहीं जरूर सा टेंशन बना हुआ है कि अगर इसी तरह से प्रदर्शन होता रहा और भारत लगातार अपने घर के अंदर में क्रिकेट मैच जीतता रहा तो वर्ल्ड कप हमारे हाथ से कोई नहीं रोक सकता है। देखते हैं पूरा वीडियो और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इस पे क्या रिएक्शन होने वाला है। बड़ी जबरदस्त और धुआंधार बल्लेबाजी की टीम इंडिया ने, और एक वक्त था कि ऐसा लग रहा था कि 450 रन भी आराम से हो जाएंगे। इस मैच में भी तीन पार्ट है। पहला वही पार्ट है कि जब रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने 200 रन का जो हदफ है वो पार कर दिया, 200 रन का जो बॉर्डर था वो 25 ओवर में आधी इनिंग में पार कर लिया, तो फिर 450 रन करीब करीब दिख रहे थे, या एटलीस्ट 410-420 रन। उसके बाद विराट कोहली ने जिस तरह से आते ही शुरुआत की, बट ईशान किशन कुछ और सोच के आए विकेट पर कि मैं पहले वक्त लूंगा बाद में मैं मारूंगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा वक्त लेने के बाद आउट हो गए। फिर पै दर पै जो कामयाबियां मिली, सूर्या कुमार यादव नहीं चल सके, उसके अलावा विराट कोहली भी थर्टीज में आउट हो गए। वहां से हार्दिक पांड्या ने गेम को संभाला और हार्दिक पांड्या ने अश्योर किया कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग खुशफहमी में मार धाड़ के चक्कर में 350 भी ना कर पाए, और इस विकेट पे 350 करना बनता है। अब तक न्यूजीलैंड अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन आज ना तो मोहम्मद सिराज है ना मोहम्मद शामी है, आज कमजोर फास्ट बॉलिंग अटैक है। उमरान मलिक का पेस वेस अपनी जगह, बट शार्दुल है, उमरान है, और सिक्स सिटिंग ग्राउंड कोई 19-20 छक्के मारे हैं आज, 19 छक्के सिर्फ एक इनिंग्स में लगे। बेचैनी भी हो रही होगी घर में मारे यार, ये बहुत सो के घर हो गए हैं न्यूजीलैंड वाले। नहीं यहाँ भी आए थे लेकिन हमारी तो आंखें तरस गई छक्के देखने के लिए। बट हैट्स ऑफ टू हिटमैन शर्मा। और इस सीरीज के शुरुआत में हम बात कर रहे थे कि रोहित शर्मा अब काफी फिट लग रहे हैं,
बट उनको एक बड़ी इनिंग चाहिए 100 की, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि क्या ये रोहित शर्मा 100 बनाना भूल गए। बड़ा टाइम हो गया रोहित शर्मा को 100 बनाए हुए, और मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था 150 प्लस रन, लेकिन दोनों ही 100 के बाद पैदर पे रोहित शर्मा और अगर ये लोग 150 रन कर जाते या नेक्स्ट 8-10 ओवर खेल जाते तो डेफिनेटली इंडिया जो है 450 के करीब ही फिनिश करता, इससे कम का जो है वो कोई ऐसा लग रहा था कि टीम मीटिंग में बात तय की गई है कि यार सबकी बैटिंग आएगी, ऐसा नहीं है कि एक आदमी खड़ा है तो वो खड़ा ही खेले जा रहा है, बस ऐसा नहीं हो सकता, बारी सबकी आएगी, इसीलिए 85 बॉलों के ऊपर मेरे ख्याल में 6 छक्के मारने के बाद वो आउट हो गए, 11 चौके 6 छक्के, यार कोई कमाल है, मतलब क्या ऐसे कोई मार इनके खिलाफ 114 बॉल पे 79 बाबर ने भी किए थे, 78 बॉल पे और उसने बाबर आजम को एक सीरीज 3 मैचों की सीरीज में जो सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड है वो भी 5-5 कर दिया उसने, ऐसी की तैसी कर दिया उसने, ग्राउंड छोटा था बेटा, पुश करो छक्का हो जाता था, बल्ला 70 मीटर का बड़ा था, बल्ला बड़ा था, ग्राउंड छोटा था, बल्ला बड़ा था बस, इसी तो 110 मीटर की होती है बाउंड्री, है ना, 19 छक्के बता सकता हूं मैं बगैर गिने, 11 तो मैं बता दूं ओपनिंग के लिए ग्राउंड छोटा होता है, एक ने मारे 5 एक ने मारे, मैं कह रहा हूं ग्राउंड छोटा हो बड़ा हो दिल बड़ा होना चाहिए भाई, बल्ला बड़ा होना चाहिए, छक्के बड़े होने चाहिए, छक्के मारने के लिए दिल होना चाहिए, तुम भी मार लेते तुमने मरवा ली उनसे, मसला ये है कि तुम तो धंधा करते हो अपना, तुम देखते हो ये हमारी मारेगा हमें मजा आएगा, लो भाई मरवा लेते हम इनसे। तो पहले मैच में देखिए 200 शानदार, दूसरे मैच में नॉट आउट, और आज फिर 3 मैच की सीरीज में वो बाबर आजम का रिकॉर्ड अभी भाईजान बता रहे थे बराबर हो गया जी। तो एवर फ्लुएंट गिल बहुत ही शानदार खेला वो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और दोनों ही ओपनर रोहित शर्मा को खैर क्लास अपार्ट, ओवर द इयर्स हम देखते हुए आ रहे हैं। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। सो बेसिकली यार सीधी सी बात है, पाकिस्तानी मीडिया वाकई में हैरान है कि बहुत इजी है इंडियंस के लिए सेंचुरी करना आजकल यार। एक होता है ना यार, मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ, एक होता है ना चलो एक प्लेयर होता है एक मैच छोड़कर मतलब थोड़ा जो है ना काम खेल के मुसलसल, शुभम गिल को देख लो, रोहित शर्मा स्टार्ट से जो है ना अभी इस सीरीज से बहुत कमाल के फॉर्म में आ गए हैं। दूसरी बात ये एक किस्म के मैं यही कहूंगा कि दूसरी टीमों के लिए चेतावनी है, चेतावनी है, ये जोड़ी इस जोड़ी को आउट करना मुश्किल हो जाएगा अगर ये जोड़ी अगर खाली सबसे बड़ी विकेटें पहली तीन होंगी आप लोगों के लिए, पहली तीन विराट कोहली शुभमन गिल और रोहित शर्मा सबसे बड़ी विकेट, सबसे अगर देखा जाए बॉलर्स के पसीने छूट जाएंगे विकेट ये वाली विकेट करने के लिए। और यार ऐसा खेलते हैं सच में प्रॉमिसली, ऐसा लगता है बंदे को 20-20 मैच हो रहा है, वनडे तो कहीं दूर से नहीं लगता, हमारा वनडे हो रहा, हमारा 20-20 हो रहा हो ऐसा लगता है, वनडे हो रहा है, जब हमारा वनडे हो रहा हो ऐसा लगता है टेस्ट हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, मतलब इस तरीके से खेला जाता है। लेकिन ये इंडिया ऐसे खेलता है, अगले को बताकर दिखाता है कि हम इस तरह खेलते हैं यार, खेला है सच में बोला जाए। अगर देखो आप गाइस क्या कहते हो अपने कमेंट सेक्शन में, तो आज कैसी लगी आपको ये इनिंग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।